अगर आपके पास भी वीवो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो वीवो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे इस प्रकार पासवर्ड लॉक हो चुका है तो फ्रेंड आप बहुत ही परेशान हो जाते हो। आपका फ़ोन जब इस प्रकार से पासवर्ड लॉक हो जाता है और वो अनलॉक नहीं होता है तो मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड कि आप कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन फ्रेंड आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के मेरा वीडियो को ओपन किया है और मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है वीवो का लॉक कैसे तोड़े बिना सर्विस सेंटर गए बिना लैपटॉप कंप्यूटर के। तो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीवो मोबाइल का पासवर्ड लॉक कैसे तोड़ा जाता है। ओनली पासवर्ड लॉक, नो पैटर्न, नो पिन, नो स्क्रीन लॉक, नो फिंगरप्रिंट लॉक, ओनली पासवर्ड लॉक। तो फ्रेंड अगर आपके पास भी वीवो मोबाइल है और वो वीवो मोबाइल इस प्रकार से लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके आप अपना वीवो मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो फ्रेंड बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा डिलीट किए हुए। आपको पता है कि जब आप सर्विस सेंटर जाओगे अपना फ़ोन को इस प्रकार से जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप दो ही जगह जाते हो, या तो सर्विस सेंटर या तो किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास। दोनों जगह पैसा दोगे, समय दोगे, तब जाके आपका फ़ोन अनलॉक होगा, लेकिन उसमें भी डाटा टोटल का टोटल डिलीट हो जाएगा जो सर्विस सेंटर वाले नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उसी मेथड को मैं पूरा करूँगा और डाटा सेफ रखूँगा और फ़ोन भी अनलॉक करूँगा फ्रेंड बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा लॉस किए हुए, और सारा वर्क आपकी आँखों के सामने करूँगा फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे फ्रेंड तो आप देखोगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप नेक्स्ट पेज पे जा सको, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल के अलावा। यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप इमरजेंसी कॉल पे वर्क कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आप वर्क करोगे। तो आपको फाइनली इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना है। तो जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपको एक छोटा सा कोड मैं दे रहा हूँ, उस कोड के द्वारा सबसे पहले आपको अपना डाटा रिकवर करना है सबसे पहले। तो ये कोड मैं अभी आपके स्क्रीन पे सामने रख देता हूँ, *#8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 #
और जिस पेज का नाम साफ साफ लिखा हुआ फ्रेंड इंजीनियर मूड, तो इस इंजीनियर मूड में आपको चौथा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। बोले तो चार नंबर ऑप्शन मैनुअल टेस्ट का, यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड, और फर्स्ट पेज को छोड़ देना है, सेकंड पेज पे आना है। और सेकंड पेज पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग डाटा रिकवर पे काम करेंगे, सबसे पहले जो सर्विस सेंटर वाले नहीं करते हैं। तो फ्रेंड डाटा रिकवर का वर्क चल रहा है, तो भाई मेरे इसको ध्यान से देखना। तो हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और नीचे देखेंगे जायरोस्कोप, जी सेंसर के जस्ट नीचे जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक करेंगे और डाटा डिस्प्ले पे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे डाटा डिस्प्ले। और ये जो नीचे की ओर इंक्रीज हो रहा है इसको 30 तक इंक्रीज होने देंगे, रिकवर होने देंगे 30 तक। अगर ये 30 तक इंक्रीज हो गया बिना रुके हुए, तो आपका टोटल का टोटल डाटा भी रिकवर हो जाएगा फ्रेंड, जो सर्विस सेंटर वाले नहीं छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि फाइनली यहाँ पे 30 हो चुका है फ्रेंड। तो हम अब इसको बैक कर लेंगे, यहाँ से आपका टोटल का टोटल डाटा रिकवर हो गया। अब सिर्फ दो वर्क और करना है फ्रेंड, ओनली टू वर्क। उसके ऊपर जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन में जब क्लिक कीजिएगा तो पास का ऑप्शन देगा, सॉरी स्टार्ट करने का ऑप्शन, तो आपको वहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप टेस्ट दोगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है स्टार्ट करने का, तो हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे कि ये टेस्ट हमारा पास है या फेल। हमको फेल नहीं चाहिए, पास चाहिए फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे, और ये टेस्ट आप देख लो फ्रेंड कि मेरा एक ही बार में पास आ चुका है। अगर आप कभी एक बार में पास आ जाए तो आप समझ जाना कि आपका फ़ोन जल्दी अनलॉक होने वाला है। तो अब हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको एक बार फिर से जी सेंसर जो आपको दिख रहा है जायरोस्कोप के ऊपर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको चेक करना होगा कि आपका सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो हम यहाँ पे जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो कि जी सेंसर का जो तीन एंगल एक्स वाई जेड, वो तीनों का तीनों बहुत तेज़ी से रनिंग कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि इसका सेंसर अभी तक एक्टिव है। अब हम इसको बैक कर लेंगे और चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे, जिसका नाम होता है अदर्स।
अदर्स पे आने के बाद रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पे पास दिख गया तो तुरंत होम बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका फ़ोन अनलॉक वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो हम रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो कि एक बार में पास आ चुका है, फ्रेंड एक ही बार में पास आ चुका है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये वीवो एंड्रॉयड स्मार्टफोन मैंने कैसे अनलॉक किया, जो कि पासवर्ड लॉक था और इसका पासवर्ड लॉक भी टूटा और फ़ोन अनलॉक हुआ और डाटा टोटल का टोटल रिकवर भी हुआ। जैसे मैंने बताया सेम वही ट्रिक आप भी अपने वीवो मोबाइल पे करो, आपका वीवो मोबाइल अनलॉक होगा और वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। फ्रेंड आप देख सकते हो इस फ़ोन का एक भी डाटा लॉस नहीं हुआ। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा। फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।